नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजमा की खेती किस प्रकार से की जाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में कई पॉइंट पे बात करेंगे, राजमा की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, राजमा की खेत की करने के लिए खेत का पीएच मान कितना होना चाहिए, और ये भी बताएंगे कि राजमा की कौन सी उन्नत किस्में लगाएं जिसकी पैदावार सबसे ज़्यादा मिलती है, राजमा की खेती के लिए जलवायु कैसी है। तो जितने भी जानकारी है राजमा की खेती की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, किसी फसल को उगाने के लिए अच्छे तरीके से अगर उसकी खेत की तैयारी करते हैं ना किसान भाइयों, तो खेत की तैयारी पर ही उसका जमाव, पौधे की विकास, पौधे की उत्पादन पूरा डिपेंड करती है किसान भाइयों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी एवं खेत की तैयारी करते समय कौन सा उर्वरक दें, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बात करें राजमा की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, तो राजमा की खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाली गहरी जुताई करनी है। आपको जो गहरी जुताई वाली होती है उससे जुताई करनी है। उसके बाद किसान भाइयों, उससे क्या होता है, गहरी जुताई करने से जो भी पहले अवशेष पदार्थ है, जो भी आपका पहले का फसल है, वो पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। जड़ जो वहाँ जमीन के जितने भी अंदर तक उसका जड़ें पहुँची होती है वो सारे जमीन से बाहर आ जाते हैं, और उसे आप जो है उसका सूख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही आपको खुला छोड़ देना है धूप लगने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 गाड़ी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद को डालकर 2 से 3 तिरछी जुताई, जी हाँ किसान भाई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किस तरीके से तिरछी जुताई होती है, तो ये जुताई करानी है आपको। उसके बाद गोबर की खाद मिट्टी को अच्छी तरह से मिल जाती है। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें पानी लगाकर पलेवे कर दे। दिख रहा है किसान भाइयों हमने किस तरीके से पलेवा कर रहे हैं, तो आपको खेतों को पहले पलेवा कर देना है। पलेवा करने के कुछ दिन बाद आपका जब मिट्टी उसमें जब गीला न हो, उसके बाद आपको क्या करना है, रोटेवेटर को बुलाना है, और रोटेवेटर से मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेनी है। जी हाँ किसान भाइयों, जब रोटेवेटर चलेगी तो आपको जो मिट्टी है एकदम से भुरभुरी बन जाएगी। जब मिट्टी भुरभुरी बन जाए उसके बाद क्या करना है किसान भाई, यदि आपकी इस खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोटेवेटर की जुताई के समय ही आपको देनी है। तो इसके लिए आपको 120 केजी डीएपी की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। इसके बाद खेत की आखिरी जुताई के समय 60 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव करना है किसान भाइयों। जब आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाए, उसके बाद जो मेड़ बनाने वाली मशीन आती है, देख रहे हैं किस तरीके से खेतों में मेड़ बना रही है, तो इस तरीके से आपको मेड़ वाली मशीन से मेड़ की तैयारी कर देनी है। और जब मेड़ या बेड भी इसे बोल सकते हैं, इसकी तैयारी हो जाए उसके बाद आपको राजमा के बीजों की रोपाई करनी है, और या आप सीधे भी राजमा बुआई भी कर सकते हैं, इसका दो तरीके से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों राजमा की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। तो राजमा की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। राजमा की खेती में भूमि का पीएच मान की अगर बात किया जाए, तो किसी भी फसल को उगाने के लिए जो भूमि का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच का रहता है, ये काफ़ी अच्छा रहता है। अम्लीय पीएच मान जो होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। यह एक आर्द्र और शुष्क जलवायु की फसल होती है जिसमें जलवायु और तापमान अधिक अहमियत रखता है। भारत में राजमा की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसम में की जाती है किसान भाई। तो अभी के समय में आप राजमा की खेती कीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और इसका जो रेट है मार्केट में सबसे अच्छी मिलती है किसान भाइयों। राजमा के पौधे को अच्छी वृद्धि करने के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं ये अधिक गर्मी सहन करता है और नहीं सर्द जलवायु ज़्यादा सहन कर पाता है। तो मीडियम का जो बीच का जो तापमान होता है इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है किसान भाइयों। तो इस तरीके से राजमा की खेती की जाती है। अब राजमा की उन्नत किस्में कौन सी लगाएं जिसमें अधिक पैदावार मिल सके, तो किसान भाई वर्तमान समय में बाज़ार में राजमा की कई उन्नत किस्में जो है मौजूद हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगी सभी जो बीज भंडार है वहाँ पर। तो आपको पहले नंबर पर जो आती है PDR 14, दूसरे नंबर पर आता है HUR 15। अगर बात करें HUR 15 की खासियत की, तो यह किस्म 120 से 125 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है। इसमें निकलने वाला दाने सफ़ेद रंग के होते हैं, तो ये थोड़ा लंबी समय लेती है किसान भाइयों। उसके बाद जो आती है
मालवीय 137, यह भी आपको 115 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें निकलने वाले दाने का रंग लाल होता है तथा इसमें प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। तो किसान भाई, कुछ इस तरीके से राजमा की खेती की जा सकती है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भी किसान भाई तक शेयर कीजिए।